To hit that like button and subscribe to my YouTube channel so that you never miss an update. Also follow me on Instagram. My Instagram handle is @theRecipeCrystie123. There I share the live updates of what I do and what I eat. Now I'm gonna try the food from the Indian section. और ना मैं इतनी ख़राब हूँ, मैं पहले प्लेट लगा कर लाई थी, मैंने सब कुछ बहुत कम कम लाई थी बिकॉज ज़्यादा भूख नहीं थी। बस फिर मैंने अपनी सिस्टर की प्लेट देखी, उनने इतने अच्छे से सजा रखी थी ना कि मैंने उससे अपनी प्लेट ही एक्सचेंज कर ली। अब खाना तो ज़्यादा आ गया है मेरे पास, मगर ये इतना अच्छे से सजा हुआ लग रहा है। यहाँ पे है उड़द दाल पापड़, रोस्टेड वाला है ये, और यहाँ पे कढ़ाई पनीर। ये मैं यूजुअली लेती नहीं हूँ, मगर मेरी सिस्टर ने इसे सजाने के लिए लिया था। इट लुक्स रियली गुड। यहाँ पे ज़ीरा राइस है, आलू गोभी अदरक की, पालक मशरूम, दिस इज़ द मिक्स दाल तड़का, और यहाँ पे थोड़ा सैलेड। सबसे पहले मैं पापड़ का बाइट लेना चाहती हूँ पालक में डिप करके। यहाँ पे हरी चटनी, प्याज, ये सब होता है, खिला सकते हो। काफ़ी क्रंची फ्रेश पापड़ है। नाउ आई ट्राई द दाल तड़का विद ज़ीरा राइस। सिंपल सी हींग जीरे वाली दाल है, प्याज टमाटर का तड़का लगा रखा है। आज ना ही मेरे को उतनी पसंद नहीं आ रही है बिकॉज इसके अंदर मेनली चना दाल यूज हुई हुई है, पर चलो कोई बात नहीं, दूसरी करीज भी है ही। तो नाउ आई ट्राई द पनीर बटर मसाला विद जीरा राइस। आप ना इसके साथ लच्छा पराठा या नान भी ऑर्डर कर सकते हो, लाइफ काउंटर से अवेलेबल होता है यहाँ पे। तो मैं ये पनीर डिश ट्राई कर रही हूँ राइस के साथ। आई नो काफ़ी लोगों को पनीर अच्छा लगता है, तो हाँ यहाँ पे हमेशा ही होता है वो। काफ़ी सॉफ्ट सा पनीर है और टमाटर प्याज की ग्रेवी में बना हुआ है। इट इज़ क्वाइट गुड, अच्छा लग रहा है, दाल से तो बेटर लग रहा है। नाम ट्राई द पालक मशरूम, और इसे भी मैं राइस के साथ पेयर करूँगी। काफ़ी थिक सा पालक है इनका, जैसे कि आप देख ही सकते हो। काफ़ी स्पाइसी है इनका पालक। पहले मेरे को याद है ब्लैंड होता था, मगर अभी ये स्पाइसी बनाते इसे, बहुत ही थिक एंड चंकी है। इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक सरसों का साग, बिकॉज ना साग ही बनता है इतना थिक। पालक तो हर जगह पे थोड़ा रन ही होता है, तो काफ़ी पसंद आया मुझे। बहुत ज़्यादा इसमें इन्होंने टमेटो अनियन नहीं डाले हैं, जिस पालक का फ्लेवर आ रहा है और गार्लिक का। अब मैं ट्राई करूँगी आलू गोभी अदरक की, ये मेरी फेवरेट है। आलू को ये फ्राई करके बनाते हैं तो काफ़ी अच्छा सा टेक्सचर लगता है उसका, एकदम फ्राइज जैसा। ये डिश मेरे को बहुत पसंद है, बिल्कुल स्नैक जैसी लगती है। अदरक का स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आ रहा है इसमें, हींग जीरा डाला हुआ है बिकॉज गोभी की डिश है, तो ना इन्होंने इसमें हींग कुछ ज़्यादा ही डाला है डाइजेशन के लिए। इवन द गोभी इज़ रियली फ्लेवरफुल। टमेटो और अनियन का तड़का लगाया इन्होंने, तो एकदम जूसी हो गई है गोभी। इस सब खाने में से मेरा फेवरेट तो ये आलू गोभी अदरक की है, और सेकंड नंबर पे पालक। सो या गाइस, नाउ आई एम गोना फिनिश ऑल दिस एंड मीट विद द डिजर्ट।
नाउ वी ट्राई द डिजर्ट्स ऑप्शंस तो यहाँ पे बहुत सारे थे मगर मैं बस दो ही लाई हूँ बिकॉज वेस्ट क्या ही करना. तो जो ऑप्शंस डिफरेंट लगे और एगलेस थे तो वो मैं ले आई. दिस इज द कोकोनट बर्फी. इट लुक्स रियली गुड. हल्की सी येलो कलर की है. मे बी इन्होंने केसर डाला होगा इसलिए. कोकोनट बर्फी अच्छी तो है मगर ना थोड़ी कम भी हो सकती थी. वैसे बुरी भी नहीं है. और ऊपर से इन्होंने चॉप आमंड्स लगाए हुए हैं. कुछ तो हल्का सा क्रंची टेक्स्चर आ रहा है. इन्होंने ना इसे डेसिकेटेड कोकोनट से बना रखा है, फ्रेश वाले से नहीं. आई गेस कोकोनट बर्फी बनती भी डेसिकेटेड कोकोनट से ही है. यहाँ पे चॉकलेट बेरी केक, ये मैंने बहुत बड़ी ट्राई किया है. काफ़ी यमी होता है. हमने इसे काफ़ी बड़ी घर भी ले जा चुके हैं, इतना पसंद आया था. केक है सुपर मॉइस्ट. ऊपर से इन्होंने व्हिप क्रीम लगा रखी है और बीच में भी लगाई है. मुझे ऊपर प्लेन वाइट वाली है और बीच में फ्लेवर्ड वाली. इन तरह चॉकलेट बेरी केक बहुत पसंद आता है मुझे बिकॉज ना बेरी की वजह से हल्का खट्टा खट्टा लगता है. इसमें ब्लूबेरी कॉम्पोट यूज़ करते हैं और चॉकलेट भी डार्क वाली डालते हैं. तो डार्क चॉकलेट मेरी फेवरेट है. ओवरली स्वीट चॉकलेट मेरे को पसंद नहीं. सो यार गाइस नाउ आई फिनिश दिस एंड गो बैक टू माय होम. अगर आपने अभी तक ये वीडियो लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर देना. अ लॉट ऑफ यू गाइस वॉच माई वीडियोज बट डू नॉट सब्सक्राइब. प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल. दैट विल नॉट ओनली सपोर्ट मी बट ऑल्सो मोटिवेट मी क्रिएटिंग मोर सच वीडियोज़.